हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज सुबह का आपका करंट अफेयर एमसीक्यू का सेशन, जो मैं डेली सुबह आपके लिए मंडे टू संडे लेके आता हूं 6 बजे सुबह। तो इसको जरूर जरूर देखा करें, क्योंकि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सेशन है। हर दिन देखें इसे, मैक्सिमम लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि हर कोई इस सेशन का फायदा उठा सके। क्योंकि नॉट ओनली फॉर डिफेंस एग्जाम, ये चलो एमसीक्यूज तो हर किसी के लिए होते हैं, जो मैं डिफेंस के क्वेश्चंस लेके आता हूँ वो आपके डिफेंस के एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आज को भी ऐसा कोई डिफेंस का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसा कोई क्वेश्चन खास लगा नहीं जो हमने कवर नहीं कर लिया। तो मैं देखते रहता हूँ हर दिन, अगर कोई डिफेंस का क्वेश्चन दिखेगा तो उसे मैं करंट अफेयर में कवर कर लूँगा। अभी मेरे को हाल फिलहाल में कोई ऐसा डिफेंस का क्वेश्चन नहीं दिखा, क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो मैं सारी कवर कर चुका हूँ पहले। ठीक है, तो इसलिए आज सब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चन। शुरू करता है आपका आज का सेशन बिना किसी देरी के। पहली बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें डिफेंस एग्जाम चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी डिफेंस की बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। पुस्तक के लेखक कौन है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन? अरुंधति रॉय, एबी ड्रेस, पॉल मेंडेस और रस्किन बॉन्ड। ये आपके रस्किन बॉन्ड जी हैं जो इसके लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड 86 साल के हैं और मसूरी में रहते हैं। ठीक है, और एक मसूरी में आपकी एक बुक शॉप है, वहाँ पे एवरी सैटरडे संडे, चाहे अब तो खैर नहीं आते होल्डेज के कारण, लेकिन तब आते थे बिल्कुल, एवरी सैटरडे संडे वहाँ के ऑटोग्राफ साइन करते थे, बच्चों से बातें करते थे। ठीक है, तो बहुत इन्होंने बुक्स लिखी हैं अच्छी अच्छी, कभी आपको टाइम मिले तो इनके बुक ज़रूर पढ़ना। अगला, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज अनाउंस दैट इट इज टू रिप्लेस हाइड्रोक्सी क्लोरीन विद टी टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड पॉसिबली रिड्यूस वायरल रिप्लिकेशन इन द रिवाइज प्रोटोकॉल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने घोषणा की है कि है हाइड्रोक्सी क्लोरीन के बदलने के लिए, जिसके साथ प्रतीक्षा सुधार करने और संभावित वायरल प्रतिगत के काम करने के लिए चाय संशोधित प्रोटोकॉल में है। कौन सी चाय? कांगड़ा, असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी टी। कौन सी चाय होगी? ये आपकी कांगड़ा टी होगी। कांगड़ा आपकी हिमाचल प्रदेश में जगह है। अगला, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन कमेटी ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन एंड रोड मैप वाज हेल्ड रिसेंटली। द कमेटी एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू बी -6% टू 1% इन द फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, नेम द पर्सन हु हेड्स द कमेटी। राजकोषीय एकीकरण रोड मैप पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई। समिति का अनुमान लगाया कि वित्त वर्ष 2015 में, यहाँ पे 2015 नहीं होगा, वित्त वर्ष 2021 फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि -6% से लेके 1% तक होगी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। एंथनी सिराक, रवि कोटा, एन के सिंह या अरविंद मेहता। एन के सिंह इसके हेड हैं, 15 फाइनेंस कमीशन के हेड इनके सिंह हैं। हर 5 साल में होती है, एवरी 5 ईयर्स। और कौन अपॉइंट करता है? आपके प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। अगला सवाल, नेम द स्टेट / यूटी इन विच विच इज फर्स्ट इन द कंट्री टू रिलीज रिपोर्ट ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक एंड थ्रेटन्ड फ्लोरा। उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो देश में स्थानिक खतरे वाले फूलों के संरक्षण पर रिपोर्ट जारी करने में प्रथम है। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय या आपका मणिपुर। या आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड है जिसने करा। वहाँ पर भी फॉरेस्ट फायर भी लगी हैं, बहुत ही दुखद स्थिति है, तो उस पर भी इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ये कैपिटल इसकी देहरादून है, सीएम इसके त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर यहाँ की बीबी सिंह मौर्य। अगला सवाल, नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच हैज ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू द रिसेंटली टू बूस्ट द स्पोर्ट्स सेक्टर। उस एक भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल ही में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। या आपका मिजोरम है, मिजोरम ने आपको दावा दिया। आपका आज का क्वेश्चन क्या है? आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको मेरे को मिजोरम के सीएम
यहाँ की गवर्नर, ये मैं कवर कर चुका हूँ पहले भी, सीएम, गवर्नर और यहाँ की कैपिटल, तीनों मेरे को लिख के बतानी है कमेंट सेक्शन में। आपका आज का क्वेश्चन द डे, और कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था 22 मई, 22 मई को होता है आपका बायोडाइवर्सिटी डे, 22 मई को, ठीक है। आपको मेरे को ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है QOD, तो आपको मेरे को बताना है। अगला सवाल, बलबीर सिंह सीनियर हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद, बलबीर सिंह सीनियर का निधन हाल ही में हुआ, वह में किस खेल से संबंधित है। देखिए ट्रांसलेशन में ये दिक्कत होती है, आधी बातें खा गया, ये हॉकी से थे, ठीक है। कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट जिसने इंडिया के लिए खेले, और बहुत ही मतलब बेहतरीन हॉकी के प्लेयर, ठीक है, कोच रहे तो उसमें भी इंडिया जीती, ऐसे ओलंपियन रहे तो उसमें भी इंडिया जीती, बहुत बेहतरीन हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह सीनियर, 96 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई अभी हाल फिलहाल में। चंबा टनल कहाँ लोकेटेड है, चंबा टनल कहाँ से थे, वेयर इज चंबा टनल लोकेटेड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान या उत्तराखंड, या फिर उत्तराखंड में लोकेटेड है, या फिर चार धाम परियोजना मतलब चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बनी है। देखिए एक होता है आपका छोटा चार धाम, और एक होता है आपका चार धाम। बड़े चार धाम में क्या आपका सबसे पहले तो पुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका और आपका बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ या केदारनाथ में से, अगर मैं उससे कोई गलत बोल रहा हूँ तो आप उनको करेक्ट कर देना कमेंट सेक्शन में। द्वारका, पुरी, रामेश्वरम और आपका बद्रीनाथ है। छोटे धाम में क्या है आपका गंगोत्री, सॉरी सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और आपका केदारनाथ, ये आपका छोटे चार धाम है। क्या आपका बोला मैंने, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और फिर आपका केदारनाथ, ये आपके छोटे चार धाम की सारी फोटोज है। नेम द इंडियन स्टेट स्लैश यूटी विच सेटअप माइग्रेशन कमीशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रवास आयोग की स्थापना करता है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। CM योगी आदित्यनाथ जी और कैपिटल लखनऊ। इंडियन पोस्ट एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट स्लैश यूटीएस पार्टनर टू डिलीवर शाही लीची एंड जरदालू मैंगो टू द मैंगो पीपल आर डोरस्टेप, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत पोस्ट और बागवानी विभाग के ने लोगों ने घर घर में शाही लीची और जरदालू आलू पहुंचाने के लिए भागीदारी की है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर या बिहार, या आपके बिहार है, और इन दोनों को GI टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दोनों को। सबसे जो बेहतरीन बात है, यहाँ के CM है आपके नीतीश कुमार, गवर्नर यहाँ के फगु चौहान, और कैपिटल यहाँ की पटना। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रीथेबल PPE किट दैट वाज डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी, सांस लेने वाली PPE किट का नाम क्या है जैसे भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया, नेवी मास्क, नेवी रक्षक, नेवी जीवन, नेवी लाइट या नेवी प्रताक, या फिर नेवी रक्षक है जैसे बनाया गया है नेवी द्वारा, नेवी रक्षक, ब्रीथेबल PPE किट। तो ये था आपके आज के क्वेश्चन, जो कि आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एंड में एक मेरे को डिफेंस का क्वेश्चन मिला तो मैं डिफेंस का क्वेश्चन लिया एक आपका, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम जो स्टार्टिंग डिफेंस का है वो मेरे ख्याल से बहुत कवर कर चुके हैं, कोई बचा नहीं है। अब बात करते हैं जो हमारे को और चीज़ें पढ़नी है उनकी, ठीक है। सबसे पहले तो यार आपको चैनल सब्सक्राइब करना, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिली बेस्ट डिफेंस एजुकेशन, साथ में आपके लिए वाईफाई शेड्यूल, 4 नए चैनल लॉन्च करें, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी CSR नेट, UGC नेट और आपका SSC एग्जाम्स, इसे भी सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ देखिए सभी एग्जाम्स के लिए डेली लाइव टेस्ट है आपका, लाइव टेस्ट दीजिए और आनंद दीजिए। मैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपके लिए लाइव टेस्ट लेके आता हूँ 6:30 बजे, तो मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। 6:30 बजे 6:30 PM पे मैं मंडे टू थर्सडे आपके लिए टेस्ट लेके आता हूँ, जरूर जुड़िए मेरे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देखिए डिफेंस के मैवरिक बैच है, अगर आप इसे अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो, मैं कहूँगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो प्लीज़ 9555092179 कॉल, व्हाट्सएप, SMS में से करके आप कभी भी पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में। मैं कहूँगा अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें हम आपको रिटर्न प्लस SSB दोनों की तैयारी करवा रहे हैं एक बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट पे, ठीक है। और अगर आप इसमें वाईफाई डिफेंस का कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट प्लस आपको 1% मेंटरशिप मिलेगी, और प्लस अगर आप रन टाइम का कोड भी लगाएंगे तब भी आपको 10% डिस्काउंट और 1% मेंटरशिप मिलेगी। अगली चीज देखिए, CDS आपका तो CEP 2020 के प्रिपरेशन बैचेस आ चुके हैं, ठीक है। आपको इसको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट कॉल मी एट 9555092179 पर मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, SMS करेंगे, आप इसमें कोड लगाएंगे प्रणटेन तो आपको 10% का डिस्काउंट और 1% मिलेगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है आपके लिए है कि इसमें आप एक ही सब्सक्रिप्शन में 3 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, CDS, AFCAT और UCAPFE, और इसमें भी आपको रिटर्न प्लस इंटरव्यू / SSB की तैयारी करवाई जाएगी।
तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात, इसके फायदे क्या क्या, घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट से सीख सकते हैं, आपको कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस है, सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे है, एग्जॉस्टिव कवरेज आपका सिलेबस का होता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके और लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है आपकी। तो देरी किस बात की है यार, आज ही जुड़ो हमारे साथ, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो प्लीज़ इस पर जुड़िए हमारे साथ। हम सबको बोलते नहीं जुड़ने को, हमारे को लाखों फ़ोन आते हैं दिन में, मतलब लाखों तो नहीं, 100 फोन आते होंगे मेरे को दिन में, हार्डली 10 बंदों को बोलता हूँ कि आप जुड़ो मेरे साथ। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे चाहता हूँ कि वहाँ पे जो क्राउड है वो बिल्कुल ही सीरियस एस्पिरेंट्स का है, कोई भी मखौल करने वाले ना है। इसलिए मैं अगर आप लोगों को कह रहा हूँ कि जुड़ो, तो मतलब आप लोगों में कुछ बात है, आप सीरियस हैं, आप मेरे को कॉल ज़रूर करें, मेरे से पूछें इस बात के बारे में, जाने दोनों के बारे में, सीरियस और एनडीए के बारे में, और ज़रूर आपकी जर्नी आपके साथ पूरी होगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, मातरम, बाय बाय।